दरगाह कमेटी की बैठक के साथ ही छतरी गेट के कार्य और करियर काउंसलिंग सेंटर को होगा आगाज। आर्यभट्ट कॉलेज अजमेर का बेस्ट कॉलेज, ए ग्रेड रैंकिंग बाय BTU बीकानेर। बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशन्स ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। अजमेर ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह का रखरखाव करने वाली दरगाह कमेटी की बैठक रविवार को दरगाह कमेटी सदर अमीन पठान की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस बैठक में कोविड-19 की वजह से लंबित पड़े कई विषयों पर चर्चा की गई। इस बैठक से पूर्व दरगाह के छतरी गेट नंबर 5 के जीर्णोद्धार के कार्य का शुभारंभ दरगाह कमेटी की निगरानी में किया गया। इस मौके पर अंजुमन पदाधिकारियों व सदस्यों ने भी शिरकत की। दरगाह कमेटी द्वारा सुबह 11:30 बजे सिविल लाइन्स स्थित दरगाह अपार्टमेंट में ख्वाजा गरीब नवाज करियर काउंसलिंग सेंटर का शुभारंभ किया गया। इस सेंटर में अल्पसंख्यक छात्र छात्राओं को प्रतियोगी परीक्षा के साथ केंद्र एवं राज्य सरकार के द्वारा जारी छात्र छात्राओं के हितों की योजना से भी अवगत कराया जाएगा। दरगाह कमेटी की बैठक में नायब सदर बाबर अशरफ, सदस्य सैयद शाहिद हुसैन रिजवी, फारूक आजम, मुनव्वर खान, कासिम मलिक तथा अन्य सदस्य शामिल रहे। बैठक का एजेंडा कार्यवाहक नाजिम डॉक्टर आदिल ने प्रस्तुत किया। आज दरगाह कमेटी की मीटिंग है और अल्लाह का शुक्र है कि दरगाह जो 6 महीने करीब बंद थी वो ओपन हो गई थी 7 सितंबर से, और तमाम इंतजाम जो भारत सरकार की और राजस्थान सरकार की जो गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग सब नियम के साथ यहाँ पे जायरीन आ रहे हैं। हम लोग दरगाह कमेटी, तमाम खुदाम हजरात, अंजुमन, सब लोग पूरा सहयोग कर रहे हैं, और हम सब का मकसद ये कि जो जायरीन, जो अकीदतमंद यहाँ पे आते हैं वो सात खैरियत से आएँ और सात खैरियत से वापस जाएँ, अपना आप को महफूज और हिफाजत से रखें, अपना जो है हमेशा मास्क लगा के रखें, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें। उसके अलावा हमने जो 6 महीने जब दरगाह बंद रही तो क्योंकि हमारा स्कूल चलता है, हमारे इतने सारे एम्प्लॉइज़ है, तो उनके अखराजात जो थे वो किस तरीके से पूरे किया जाए, तो किस तरीके से दरगाह की इनकम बढ़ाई जाए, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। डेवलपमेंट के काफ़ी सारे काम अभी दरगाह कमेटी लगातार चला रही थी और चलते रहेंगे इंशाल्लाह। और हम जो ख्वाजा गरीब नवाज जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऑफ एक्सीलेंस जो ख्वाजा गरीब नवाज यूनिवर्सिटी जिसको बोलते हैं, उसका भी काम जल्दी शुरू होने वाला है। हम RPSC UPSC की क्लासेस को भी जल्दी शुरू करेंगे, कल उसके ऑफिस का इफ्तिताह हो रहा है। तो बहुत सारे काम हम जो हमारी क्लिनिक है, जो मेडिकली जो काम है उस पर भी हम काम कर रहे हैं। दरगाह के अंदर बहुत सारे काम हमने किए हैं और आगे भी काम कर रहे हैं। टॉयलेट ब्लॉक का उद्घाटन भी हम नवंबर में इंशाल्लाह पूरा कर देंगे, ताकि जायरीन को जो तकलीफ़ें होती थी वो तकलीफ़ों की कमी आए और तमाम जो उनको जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो यहीं पर सब मिले। उसके लिए लगातार दरगाह कमेटी कोशिश कर रही है, तमाम लोगों को साथ लेके, तमाम जो खुदाम हजरात है, दोनों अंजुमन है उनका साथ, और दीवान साहब, तमाम लोगों को हम साथ लेके काम कर रहे हैं, ताकि हमारा मकसद ये है कि दरगाह पे आने वाले जायरीन को कोई तकलीफ ना हो। वो जो अकीदत के फूल यहाँ पेश करने आते हैं, अकीदत के साथ चौखट को चूमने आते हैं, वो सात खैरियत से अपनी दुआ मांग कर अपनी जो उनकी जो भी उनकी चाहते हैं, वो जो यहाँ पर चाहते हैं गरीब नवाज के अंदर, वो सब करके साथ करियर से वापस जाएं। उसके लिए दरगाह कमेटी काम कर रही है, उसी को लेके आज मीटिंग रखी गई है कि जो हम सब कामों को रिव्यू करें। कि इसलिए हमने हर महीने 15 दिन में लगातार जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए वर्चुअल मीटिंग करते हैं, कभी फिजिकली आते हैं, तो लगातार हम यहाँ पे हमारा आना जाना बना हुआ है, ताकि हम सब चीज़ें जो रुकावटें, जो दिक्कतें आ रही हैं उनको साथ करियर से सही कर सकें, ताकि सब चीज़ें आसान हो। आज आपने किस किस जगह का दौरा किया है मेंबर्स के साथ सर? जी, आज हमने 5 नंबर गेट का उद्घाटन किया है, उसको रिनोवेट कर रहे हैं, उसको चौड़ा कर रहे हैं, ताकि जायरीन को जाने आने में कोई तकलीफ ना हो। उसके बाद हम जो बीच के जो 2 गेट है, बुलंद दरवाजे के पहले एक छोटा गेट है, उसको भी चौड़ा करेंगे, और भी जो गेट छोटे हैं उनको चौड़ा करेंगे, ताकि जायरीन आसानी से आ और जा सके। दरगाह खुलने में 7 महीने हो गए, 7 महीने के अंदर जो कव्वालियों का दौर है, ऐसे में कव्वालियों को भी
बहुत बड़े संकट है उनके लिए, कव्वालियाँ हैं, आने वाला पैसा आता है, लेकिन वो भी अभी बेरोजगार है, तो क्या एक चादर और फूल की जगह कव्वालियाँ जल्द शुरू होगी? बिल्कुल, अभी हम कोशिश कर रहे हैं ये सब चीज़ें जल्दी जल्दी धीरे धीरे, जैसे पहले सरकार ने कर्फ्यू हटाया, फिर लॉकडाउन एक एक करके छूट दी, इस तरीके से यहाँ भी सब चीज़ें पहले की तरह सब चीज़ें आसानी के साथ चलेगी, ऐसे हम उम्मीद करते हैं। बस थोड़ा वक्त है, थोड़ा वक्त और इंतज़ार करेंगे हम लोग, फिर फूल भी पेश होंगे, चादर भी पेश होंगी, कव्वाली भी होगी, तमाम वो सब चीज़ें चलेगी। तो तब तक हमको अपने आप को बचाना, अपने साथियों को और लोगों को बचाना, इसलिए सब चीज़ें लोगों की हिफाजत के लिए, लोगों की जान बचाने के लिए की जा रही। जिस दिन टीका आ जाएगा, वैक्सीन आ जाएगी इसकी, उसके बाद सब चीज़ें खुल जाएगी, और उसके पहले भी लगातार सरकार और हम सब लोग वॉच कर रहे हैं कि कैसे कैसे धीरे धीरे छूट दी।